छठ महापर्व को देश की राजधानी दिल्ली में श्रद्धालुओं ने छठी मैया की पूजा अर्चना के साथ सूर्य भगवान के अस्त और उदय दोनों रूपों को अर्घ्य देकर मनाया। इस पर्व में जहां एक तरफ श्रद्धालुओं ने छठी मैया की पूजा अर्चना की, वहीं दूसरी तरफ इस पर्व में नेताओं ने भी शामिल होकर छठी मैया का आशीर्वाद लिया। दिल्ली में जगह जगह आयोजित हुए कार्यक्रमों में नेताओं ने पहुंचकर श्रद्धालुओं को छठी मैया की शुभकामनाएं दी। इसी दौर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर पूर्वी लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने यमुना नदी में नाव में सवार होकर नदी किनारे एकत्र सभी छठ श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया और छठी मैया की जयकारों के साथ श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करने की कामना की। उनके साथ नाव में भाजपा उत्तर पूर्वी जिलाध्यक्ष अजय महावत शामिल रहे। उन्होंने भी छठ श्रद्धालुओं को नमन करते हुए उनका अभिनंदन किया। छठ हमेशा शुद्ध जल के नदी के पोखरा तालाब के किनारे ही होता है। छठ के लिए जो प्रसाद बनाए जाते हैं उसकी शुद्धता बड़ी जरूरी है। नदी हो कहीं घाट के किनारे स्वच्छता बड़ी जरूरी है। तो स्वच्छता शुद्धता पवित्रता सिर्फ स्थान की नहीं बल्कि विचारों की भी। इसका जो त्यौहार है वो है महापर्व का आस्था का त्यौहार छठ व्रत, जहाँ भगवान सूर्य का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। और पहला ये विश्वास है कि जो डूब रहा है वो कल उदय होगा। ये छठ का बहुत बड़ा उद्देश्य है। लोग डूबने वाले को बोलते हैं तो डूब रहा है, इसको क्या किसके दिन के साथ जाएं हम। लेकिन छठ ये संदेश देता है कि जो डूब रहा है वो फिर उदय होगा। उधर पांचवें पुष्टि पर आयोजित छठ कार्यक्रम में यमुना विहार निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता ने शामिल होकर मंच के माध्यम से सभी छठ श्रद्धालुओं को छठ मैया पर्व की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर युगे चौधरी ने इस अवसर पर यमुना नदी में छठी माई की पूजा की। उन्होंने छठी माई से सभी के कुशल मंगल की प्रार्थना की। उधर हर्ष विहार रामलीला मैदान में पूर्वांचल नागरिक छठ समिति द्वारा भव्य छठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय छठ श्रद्धालुओं के साथ अनेक नेतागण शामिल रहे। इस अवसर पर सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक तेरस लाल प्रसाद ने छठ व्रतधारी माता बहनों की पूजा के लिए विशेष इंतजाम किए और परिवार सहित छठ मैया की पूजा अर्चना की। छठ पूजा के आयोजन पर सबसे पहली बात तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर 1100 छठ घाटों का निर्माण कराया और जिस प्रकार से आज सभी अपने छठ पूजन के लिए लोग किस भीड़ के रूप में उमड़े हैं वो अपने आप में दिल्ली का एक इतिहास है। मैं पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को छठ पूजा का शुभकामना देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा माहौल रहा और बहुत अच्छा भीड़ भड़का रहा। हम लोग सारे सफल, आज 15 दिन से कार्य में लगे थे, वो कार्य सफल हो रहा है। ये छठ पूजा तो अब काफ़ी लोग संख्या में करते आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। और हमारे परिवार तन मन धन से सभी सेवा भक्ति से भाव से पूजा करते हैं। पूर्वांचल नागरिक छठ पूजा समिति के जो लोग हैं उनके अध्यक्ष श्री तेरस लाल जी, बाकी पदाधिकारी बहुत ही उसके पात्र हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा उत्सव बहुत अच्छे तरीके से मनाया। हमारे MLA साहब श्री फतेह सिंह जी, जिन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कराया इस छठ पूजा के लिए। मैं रंजीत कश्यप, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी। ये छठ पूजा का जो त्यौहार है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, महान त्यौहार है। पूरे दिल्ली के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारे पूर्वांचल भाइयों के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है हर साल। और हमारे क्षेत्र के अंदर भी चारों वार्ड में हमारे पूर्वांचल भाई सभी मिलकर इस त्यौहार को बड़े दमदार तरीके से बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं। दिन के व्रत होता है, हम लोग छठ अपना मनाते हैं, करते हैं अपना जो है। हमारा 5 बजे या 6 बजे का रख दिया जाता है शाम को, और सुबह सूरज निकलने से पहले मने हमारा जब सूरज निकलते हैं जब अर्घ देते हैं हर काम पूरा होता है। जो हम मानते हैं वो हमारा पूरा काम होता है, इसीलिए हम अपना छठ व्रत करते हैं। छठ पर्व दिल्ली में एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत लाखों श्रद्धालु यमुना नदी के जल में आस्था की डुबकी लगाकर श्रद्धा के साथ सूर्य भगवान के अस्त व उदय रूप की पूजा करते हैं। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।